two charged spheres are identical, are separate, suspended from a common point by two massless string of length L, टांग दिया, and initially at a distance of d apart. तो शुरू में उनके बीच में कम डिस्टेंस था d. फिर क्या हुआ, रिपल्शन हुई, चार्ज दूर दूर चले गए, दूर चले गए. तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल रिपल्शन, चार्ज बीइंग लीक फ्रॉम बोथ दी स्फीयर्स एट अ कांस्टेंट रेट. ये अजीब सा क्वेश्चन है, चार्ज क्या था, किसी तरीके से लीक हो रहा है, कम होता जा रहा है, पानी थोड़ी ना है, पर चलो फिर भी कैसे तैसे वो लीक हो रहा है, तो कम होता जा रहा है, तो उनकी म्यूचुअल रिपल्शन कम होती जाएगी और पेंडुलम्स पास आते जाएंगे. ऐसे होगा, तो पास आते जाएंगे. अब वो क्या कह रहे हैं, एज अ रिजल्ट स्फीयर अप्रोच ईच अदर विद अ वेलोसिटी ऑफ वी. तो वी वेलोसिटी से वो अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि वो रिपल्शन कम होगी तो भागते आएंगे. v वेरीज एज अ फंक्शन ऑफ x. कह रहा है v x के साथ कैसे चेंज हो रहा है ये बताओ, ये क्वेश्चन है. अब इनिशियल डिस्टेंस तो उनके बीच में d था, पर क्योंकि चार्ज लीक हो रहा है तो अब डिस्टेंस d से कम हो जाएगा, पास आएंगे. तो लेट अस सपोज किसी भी इंस्टेंट पर डिस्टेंस कितना हो गया x, क्योंकि x के साथ ही प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, तो किसी भी इंस्टेंट पर x हो गया, तो धीरे धीरे चार्ज लीक हो रहा है एट अ कांस्टेंट रेट. तो पेंडुलम वाला ये वो हमने केस डायग्राम काफी बार बनाया, टेंशन टी, एक्स है तो एक्स बाय टू, टेंशन का एक कंपोनेंट टी कॉस थीटा, एक टी साइन थीटा, वेट एम जी, और ये इसे रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक हो गया. तो टी कॉस थीटा किसके इक्वल है, एम जी, और टी साइन थीटा किसके इक्वल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, 1/4πε0 क्यू इन टू क्यू बाई एक्स का स्क्वायर. तो t sin theta और t cos theta की equation को divide करके tan theta में result आ गया. अब tan theta इस triangle से put कर लो, tan theta is equal to x by 2 divided by Pythagoras से under root of l square minus x square by 4. तो ये tan theta put कर लिया. अब क्योंकि आपको question में hint given है कि d बहुत छोटा है l से, तो अब d अगर बहुत छोटा है तो x तो पक्का ही छोटा है, क्योंकि x तो d से भी छोटा है. तो ऐसे केस में क्या होगा, L बहुत बड़ा है x से या x बहुत छोटा है, तो दिस टर्म कैन बी neglected. इसको हटा देते हैं, तो L square का अंडर रूट सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, L. तो 2 नीचे आ गया. तो यहां से x का और चार्ज का क्या रिलेशन बनेगा, देखो mg कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेंथ भी कांस्टेंट है, तो चार्ज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 3/2. ठीक हो गया. पर हमें क्वेश्चन वेलोसिटी में निकालना है. एक्स से वी कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट, टाइम के साथ दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, इधर भी डी बाई डी टी, इधर भी डी बाई डी टी, इधर डी बाई डी टी क्या आएगा, डी क्यू बाई डी टी, इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी, 3/2 एक्स रेज टू पावर 1/2 इन टू डी एक्स बाई डी टी. ये देखो, लेकिन डी एक्स बाई डी टी क्या होती है, वेलोसिटी वी होती है, तो वी आ गया. अब डी क्यू बाई डी टी चार्ज का लीक होने का रेट कॉन्स्टेंट है, तो ये तो पूरा कॉन्स्टेंट हो गया. क्या वेरिएबल बचे, एक x बचा और एक v बच गया. तो यहां से v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x की पावर हाफ, या v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर माइनस हाफ. आप एक काम करें, फॉर्मूला बुक के अंदर चार्ज लीक वाली प्रॉब्लम में दो रिलेशंस लिख लें, इतना बड़ा तो कौन ही कैसे करेगा. पहला रिलेशन लिखें कि चार्ज प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर 3/2 ऐसे क्वेश्चन में, और दूसरा लिखें v प्रोपोर्शनल टू x रेज टू पावर माइनस हाफ. तो फॉर्मूला रजिस्टर में इसे नोट करें.